गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास फिजिक्स में अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है मात्रा एवं मापन या मात्रा एवं विमा। उसके अंदर इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने कौन से संबंधित कुछ मात्रा पढ़े थे, पूरक मात्रा जिनको बोलते हैं, पूरक मात्रक में एक रेडियन अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद सेकेंड नंबर जो है वो है स्टे रेडियन। क्या है स्टे रेडियन? स्टे रेडियन का मतलब है ये किसी ठोस गोले में या ठोस गोले में उसके सरफेस के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टे रेडियन में मापते हैं। किसमें मापते हैं? स्टे रेडियन। स्टे रेडियन को डी ओमेगा या डी ओम से भी लिखा जा सकता है, यानी कि किसी सरफेस द्वारा सरफेस के क्षेत्रफल के बराबर या अपन कहें उसकी त्रिज्या का स्क्वायर किसके बराबर है, उसके सरफेस के बराबर, सरफेस के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर उसके केंद्र पर बढ़ाया गया कोण क्या कहलाता है, स्टे रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टे रेडियन। तो इसमें लिखेंगे स्टे रेडियन में एक स्टे रेडियन ऐसा ठोस कोण है, एक स्टे रेडियन ऐसा ठोस कोण है जो किसी ठोस गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बनाया जाता है एक स्टे रेडियन कहलाता है। इसे ओमेगा या ओम से प्रदर्शित करते हैं, अब देखो छोटे कोण की अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक छोटे कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि ठोस कोण बराबर, यानी कि यहां पर ठोस कोण बराबर गोले का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। छोटे कोण की बात करेंगे क्या हो जाएगा, डी ओम इक्वल टू मान लेते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, डी ए है अपॉन त्रिज्या यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यदि डी ए किसके बराबर हो, आर स्क्वायर के बराबर, डी ए किसके बराबर हो, आर स्क्वायर के बराबर, डी ओम बराबर क्या हो जाएगा, एक स्टे रेडियन, स्टे रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, एक स्टे रेडियन। अब देखो यदि संपूर्ण गोले की बात करें, किसकी बात करें, संपूर्ण गोले के लिए यहां ठोस कोण मान लेते हैं क्या आएगा, ओमेगा या ओम आएगा, ओमेगा लिखे या ओम लिखे बराबर गोले का क्षेत्रफल। बताइए संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल 4πr² किसके बराबर होता है, 4πr² अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां पर जो ओम की जो मान होगा कितना हो जाएगा, 4π या अपन कह सकते हैं 720 डिग्री, इसके बराबर 720 डिग्री, यानी कि ठोस गोले का जो संपूर्ण कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 720 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 720 डिग्री का। ठीक है बेटा, ये अपन ने बात करी एक स्टे रेडियन की, जब डी ए आर स्क्वायर के बराबर है, यदि गोले के लिए संपूर्ण ठोस कोण की बात करेंगे किसके बराबर आएगा, 720 डिग्री के बराबर या 4π के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 4π के बराबर या 720 डिग्री के बराबर। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं पद्धति, यानी कि मात्रकों को किस प्रकार से अपन बांट सकते हैं, किस किस प्रकार से
बांट सकते हैं। अपने पास जो मात्रक पद्धतियां होती है वो तीन प्रकार की होती है, एक एमकेएस पद्धति, दूसरी होती है सीजीएस पद्धति और तीसरी होती है एमपीएस पद्धति। कौन सी होती है? एमपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति के अंदर द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? समय को सेकंड में। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में। एमपीएस पद्धति में द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में। इसमें तोलते हैं द्रव्यमान को, पाउंड में तोला जाता है। लंबाई को फुट के अंदर मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। इसके अलावा एक पद्धति होती है एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति होती है? एसआई पद्धति, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। क्या बोलते हैं अपन? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंदर सात फंडामेंटल यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? सात मूल मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? सात मूल मात्रक के हैं या सात मूल भौतिक राशि होती है। पहली जो होती है द्रव्यमान, दूसरी लंबाई, तीसरी समय, चौथी होती है विद्युत धारा, पांचवी होती है तापमान, छठी होती है पदार्थ की मात्रा और सातवीं होती है ज्योति तीव्रता। क्या होती है? ज्योति तीव्रता। इस ज्योति तीव्रता को अपन जो मापते हैं उसको किसे मापते हैं? कैंडेला में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। तापमान को केल्विन में मापते हैं। उसके बाद धारा को एम्पियर में, समय को सेकंड में, लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम। तो पद्धति के अंदर लिखिए, पद्धति में हेडिंग डालिए पद्धति, उसके अंदर लिखिए किसी भौतिक राशि को परिभाषित, किसी भौतिक राशि को परिभाषित तथा उसके मात्रकों को सुनिश्चित करने की विधि पद्धति कहलाती है। सुनिश्चित करने की विधि पद्धति कहलाती है। पद्धति तीन प्रकार की होती है। देखिए इधर एमकेएस पद्धति, कौन सी पद्धति? एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। इस पद्धति को प्रणाली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रणाली। एक होती है एफपीएस पद्धति, हो जाएगी एफपीएस पद्धति। उसके पहले, सबसे पहले द्रव्यमान कैपिटल एम से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? कैपिटल एम से। लंबाई कैपिटल एल और समय कैपिटल टी सी। समय को किसमें लिखा जाता है? कैपिटल टी सी। देखिए एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को लिखते हैं केजी में। किसमें लिखा जाता है? किलोग्राम में। लंबाई को लिखते हैं मीटर में, मीटर का मतलब स्मॉल एम। समय को लिखते हैं सेकंड में, किसमें लिखते हैं? सेकंड में। सीजीएस पद्धति के अंदर द्रव्यमान को ग्राम में, किसमें लिखेंगे? ग्राम। लंबाई को सेंटीमीटर और समय को लिखते हैं सेकंड में। एफपीएस पद्धति में पाउंड लिखो या पी को लिखते हैं। लंबाई को लिखते हैं फुट में या कैपिटल एफ पी लिखा हुआ मिलेगा और समय को लिखते हैं सेकंड।
देखिए इधर एम के एस, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, सी जी एस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड, एफ पी एस फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि द्रव्यमान को केजी, लंबाई को मीटर, समय को सेकेंड में, सीजीएस के अंदर ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड, एफपीएस में पाउंड, फुट और सेकेंड। ठीक है बेटा, लिखना चाहो लिख सकते हो। इससे अगली जो प्रणाली होती है वो होती है एस आई पद्धति। कौन सी पद्धति होती है? एस आई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसके अंदर सात मूल मात्रक, यानी कि सात मूल मात्रक, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कितने मूल मात्रक होते हैं? सात मूल मात्रक। देखो कौन कौन से, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ऊष्मा, गतिकी, तापमान, उष्मगतिकी तापमान, पदार्थ की मात्रा, और सातवां होता है ज्योति तीव्रता। क्या होगा? ज्योति तीव्रता। फर्स्ट नंबर द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, उष्मगतिकी तापमान, छठा है पदार्थ की मात्रा, और सातवां है ज्योति तीव्रता। अब देखो यहां पर द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर, इसलिए मापा जाता है एम्पियर में, उष्मगतिकी तापमान को केल्विन में, इसमें लिखते हैं केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को लिखा जाता है मोल में, ज्योति तीव्रता को लिखते हैं कैंडेला, कैंडेला या सीडी, क्या बोलते हैं? सीडी बोलते हैं। मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, या हिंदी में लिखा जाता है केल्विन, यानी कि एम्पियर। सेकेंड को सेकेंड जानते हो, मीटर को मीटर भी जानते हो, किलोग्राम को किलोग्राम भी जानते हैं। ये भी ऐसा ही पद्धति होती है जिसके अंदर सात मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं मूल मात्रक? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, उष्मगतिकी तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, उष्मगतिकी तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मूल में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। अब देखो अपने पास सात मूल मात्रक, कौन कौन से हैं सात मूल मात्रक? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ऊष्मा गति के तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में,
और ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला। उसके अलावा दो अपने पास कौन से मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। कौन से होते हैं, पूरक मात्रक। एक तो रेडियन होता था और एक कौन सा होता था, स्टेरेडियन। ठीक है, सात तो मूल मात्रक है और दो कौन से मात्रक है, पूरक मात्रक है। ठीक है बेटा, अब खड़े लिखेंगे एक मीटर। क्या लिखेंगे, एक मीटर। क्या लिखेंगे, एक मीटर। देखो सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में एक बटे 299 792 458। सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299 792 458 सेकेंड। क्या लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299 792 458 सेकेंड में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। 1 मीटर कहलाती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा इतने सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, 1 मीटर के बराबर। इसके बराबर होती है, 1 मीटर के बराबर होती है। आज की इस क्लास को यह भी विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।